Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I'm here with the second lecture of PC system peripheral repair and maintenance. आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है contributors to failure of PC system. यानी वो चीजें जो contribute करती हैं कंप्यूटर को खराब करने में. तो इसमें सबसे पहली चीज जो मैंने एनलिस्ट की है नंबर वन पे वो लूज प्लग्स है. वो लूज प्लग्स है. लूज प्लग्स क्या होते हैं कि जब हम कंप्यूटर को वॉल सॉकेट के साथ किसी प्लग के साथ कनेक्ट करते हैं तो अक्सर औकात वो सॉकेट के अंदर ना फिक्स नहीं आता, जिसकी वजह से स्पार्किंग होती है. और ये स्पार्किंग, इसका मतलब ये होता है स्पार्किंग का कि या तो बहुत ज्यादा बिजली जो है यानी वोल्टेज इंक्रीज होके या बहुत डाउन होकर उस अप्लायंस को मिल रही है, जिसकी वजह से नॉर्मली कंप्यूटर की डेथ हो जाती है या उस होम अप्लायंस की डेथ हो जाती है. दूसरे अल्फाज में वो चीज खराब हो जाती है. तो सबसे पहले जो हमारी कंसिडरेशन होनी चाहिए कि कभी भी लूज प्लग के साथ कोई चीज भी वॉल सॉकेट के साथ कनेक्ट नहीं करनी चाहिए, वरना ये याद रखना चाहिए कि वो चीज फेल हो जाएगी, खराब हो जाएगी. दूसरी चीज है सर्ज एंड स्पाइक्स. सर्ज किसे कहते हैं, स्पाइक किसे कहते हैं? अक्सर औकात वोल्टेज लाइन यानी पावर लाइन जो हमारे घर में आ रही है उसमें अचानक जो है सडनली वोल्टेज बहुत इंक्रीज हो जाती है या एम्पेयर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं या वोल्टेज बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाती है या बहुत ज्यादा जो है वो डाउन हो जाती है. तो इनको सर्ज एंड स्पाइक्स कहा जाता है. सर्ज जो है इसको मिली सेकेंड्स में मेजर किया जाता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से इफ आर राइज इन वोल्टेज आर एम्पेयर्स इन मिली सेकेंड्स इट मीन्स दैट्स अ सर्ज. वी से दैट अ सर्ज. एंड इफ the increase in voltage or the amperes that is in nanoseconds we say that a spike. And these are the second contributors those fail the PC system. And the third is blackout. Blackout kise kehte hain ke bijli ke chala jana, achanak bijli chali jaye to computer kharab ho jata hai. Kyun kharab ho jata hai? कि उसके अंदर जो हार्ड डिस्क होती है उसका हेड जो है रीड कर रहा होता है और उस वो उसके ड्यूरिंग रीडिंग अगर पावर चली जाती है, बिजली फेल हो जाती है, ब्लैक आउट हो जाता है तो वो हेड वापस अपनी जगह पे वापस नहीं आ सकता, जिसकी वजह से वो हेड जो है अक्सर स्टक हो जाता है. उसके स्टक होने की वजह से डेटा लॉस भी हो जाता है और हार्ड डिस्क भी फेल हो जाती है और कंप्यूटर भी नेक्स्ट टाइम ऑन नहीं हो सकता, क्योंकि सारा डाटा हार्ड डिस्क पे होता है, हार्ड डिस्क के बगैर कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो सकता, लिहाजा कंप्यूटर फेल हो जाता है. तो ब्लैक आउट या पावर फेलियर इज अनदर कंट्रीब्यूटर टू फेल द सिस्टम. दिस थर्ड द फोर्थ वन इज मॉइस्चर. स्पेशली इन रेनी सीजन इन पाकिस्तान, बरसात के मौसम में पाकिस्तान में ये जो हमारी एनवायरनमेंट है इसमें 85% मॉइस्चर होता है. दूसरे अल्फाज में अगर 100% हो जाए तो पानी पानी हो जाएगा, 85% उसमें पानी होता है, वेपर्स होते हैं, मॉइस्चर होता है. अगर हम रेनी सीजन में बिस्किट का एक पैक खोल के सामने रखते हैं तो विद इन सेकेंड्स हम वो बिस्किट उठा के जब खाते हैं तो उसमें क्रिस्पीपन नहीं रहता. तो वो क्रिस्पीपन क्यों नहीं रहा? मॉइस्चर की वजह से. तो मॉइस्चर कंप्यूटर को कैसे फेल करता है कि अक्सर औकात कंप्यूटर्स के सर्किट्स के अंदर डस्ट होती है, डस्ट के अंदर मॉइस्चर जब जाती है तो वो शॉर्ट सर्किटिंग का बाहिस बनती है. तो मॉइस्चर इज अनदर कंट्रीब्यूटर टू फेल द सिस्टम. जब शॉर्ट सर्किटिंग होती है तो कंप्यूटर को बहुत ज्यादा लॉस होता है. स्पेशली आपने देखा होगा जितने कंप्यूटर खराब होते हैं वो मैक्सिमम रेनी सीजन में खराब होते हैं.
और एटीएम मशीन्स हैं बैंक्स में, ऐसे ही आप स्टॉक एक्सचेंजेस में चले जाएं, ऐसे ही एयरलाइंस के ऑफिस में चले जाएं, तो रेनी सीजन में ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो रेनी सीजन में जितने भी पीसी हैं, जितना भी इक्विपमेंट है, होम अप्लायंसेस भी, उनमें से रेनी सीजन स्टार्ट होने से पहले ही ब्लोइंग कर देनी चाहिए, ताकि डस्ट नहीं होगी तो मॉइस्चर इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो नेक्स्ट वन इज स्मोक। स्मोक जो है वो भी एक कंट्रीब्यूटर है पीसी सिस्टम को फेल करने में। स्मोक के अंदर सबसे ज्यादा जो चीज है वो भी मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर प्लस इसमें कार्बन होती है, जिसकी वजह से कुछ एसिड्स बन जाते हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड है और ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये स्मोक के अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स होने की वजह से, केमिकल पार्टिकल्स की वजह से वो एसिड्स बनते हैं, जिनकी वजह से नॉर्मली पीसी सिस्टम के जो सर्किट्स हैं उनमें क्रोजन हो जाती है, और क्रोजन जो है वो फेलियर ऑफ द सिस्टम, कि जहां भी जंग लग जाएगा तो वो सर्किट जो है वहां से फिर करंट पास नहीं हो सकता, वो करंट ना पास होने की वजह से वो सिस्टम फेल हो जाता है। उसके बाद क्रोजन है, जैसे मैंने बात की कि मॉइस्चर और स्मोक दोनों क्रोजन का बायस बनते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात हम कंप्यूटर के पास बैठ के चाय पी रहे होते हैं, दूध पी रहे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं, तो इन चीजों से भी कोशिश करनी चाहिए कि जब हम ये चीजें पी रहे हों तो कीबोर्ड में या माउस में या हमारे सिस्टम यूनिट में या किसी किस्म की और जो भी इक्विपमेंट है, प्रिंटर है, स्कैनर है, तो इनमें इन चीजों का एक कतरा भी चला गया तो वो कोरोजन और फिर फेलियर ऑफ पीसी का बाहिस बनता है। तो कोरोजन से होता क्या है, वैसे तो कॉपर का सर्किट बना होता है, लेकिन जब कोरोजन होती है तो ये कॉपर ऑक्साइड बन जाती है। तो कॉपर ऑक्साइड प्योर मेटल नहीं होती जिससे बिजली गुजर जाए, वो जब बिजली सही तरीके से नहीं गुजरती, प्योर मेटल नहीं होती, तो वहां हीट प्रोड्यूस होती है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से नॉर्मली वहां पे मेल्टिंग होके वो बस वो तार या वो सर्किट जो है कोरोजन की वजह से मेल्ट हो जाता है और डिस्कनेक्ट हो जाता है, और वो पीसी के फेलियर का बायस बनता है। तो कोरोजन इज अनदर कंट्रीब्यूटर टू फेल द सिस्टम। नेक्स्ट कंट्रीब्यूटर जो है वो लिक्विड्स हैं। तो ये पहले भी मैं बता चुका, लेकिन इसको इलाहदा से भी मैंने एनलिस्ट किया कि हम अक्सर कंप्यूटर के पास बैठ के चाय, पानी और इस किस्म की चीज़ें पी रहे होते हैं, कॉफ़ी वगैरह, तो वो अगर गिर जाएं तो वो कोरोजन और फिर एंड उनका डिस्कनेक्टिंग ऑफ बसेस और जो सर्किट्स हैं उन पे कोरोजन की वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो लिक्विड से भी हमने अपने पीसी को और पीसी के सारे जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनको बचाना है। उसके बाद डस्ट है, मैं ऑलरेडी इस पे बात कर चुका कि डस्ट इटसेल्फ जो है वो नुकसानदेह नहीं है, लेकिन डस्ट रेनी सीजन में बिस्किट की तरह ये अपने अंदर मॉइस्चर मॉइस्चर ले लेती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, होम अप्लायंसेस हैं, वो शॉर्ट सर्किट होकर फेल हो जाती हैं। और एक ये नाइन्थ कंट्रीब्यूटर जो है ये हॉट एंड कोल्डनेस है, कि एक चीज़ जैसे हमने कंप्यूटर ऑन किया उसके सारे कंपोनेंट्स पहले हीटअप हो जाएंगे, और जब हम उसे बंद करते हैं दोबारा ठंडे होते हैं, फिर जब हम ऑन करते हैं फिर गर्म होते हैं, फिर जब हम बंद करते हैं फिर ठंडे होते हैं। तो ये आपको भी पता है कि जब चीज़ गर्म होती है तो वो फैलती है, और जब ठंडी होती है तो वो कंट्रैक्ट होती है, वो वापस सिकुड़ जाती है। तो ये फैलना और सिकुड़ना क्रैक्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से सर्किट्स के अंदर क्रैक्स आते हैं। बाज़ औक़ात आईसीज़ क्रैक होके सिर्फ हॉट और कोल्डनेस की वजह से। तो इसमें यह कहा जाता है कि अगर आपने कंप्यूटर इस्तेमाल करना है 5 या 10 मिनट बाद,
तो बेहतर यह है कि उसको बंद ना करें। और अगर आपने उसको लॉन्ग आवर्स के लिए इस्तेमाल नहीं करना तो फिर बंद कर दें, दोबारा ऑन कर लें। तो अगर आपने एक दिन में 10 बार कंप्यूटर ऑन ऑफ किया तो इसका मतलब है वो बार बार गर्म और ठंडा हुआ, इससे भी उसकी लाइफ डिक्रीज होगी। उसके बाद वायरसेस हैं। आज वायरसेस को कौन नहीं जानता कि डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस हमारे सॉफ्टवेयर पे, हार्डवेयर पे अटैक करते हैं। वायरस होता क्या है, ये भी बेसिकली सॉफ्टवेयर है, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो फायदा देते हैं। जैसे कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर है, वो हमें कैलकुलेशन कर देता है। विंडोज का सॉफ्टवेयर है, हमें बहुत सारे फायदे दे देता है। एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर है, हमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की फैसिलिटीज देता है। लेकिन ये होता सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये हार्डवेयर के लिए भी और सॉफ्टवेयर दोनों के लिए नुकसान का बायस बनता है। तो वायरस जो है ये भी पीसी फेलियर का बायस बनता है। उसके बाद बाजू का हमारी पेपर पिंस या स्क्रूज, वही जो हमने कंप्यूटर में खोले वो हमसे गिर गए या पेपर पिन गिर गई, तो वो शॉर्ट सर्किट का बायस बनेगी और शॉर्ट सर्किटिंग से हमेशा पीसी फेल हो जाता है। तो ये 11 कंट्रीब्यूटर्स थे जो हमने देखे, और मुझे उम्मीद है ये सारे आपको समझ आ गए होंगे। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।